एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ। अब मैं 6 साल से इस फील्ड में हूँ, 4 figures इन डॉलर्स में अर्निंग है और मल्टीपल वेबसाइट्स को हैंडल करता हूँ जिसमें कुछ मेरी साइट्स हैं और कुछ क्लाइंट्स की हैं। मैंने यूट्यूब एसईओ गुरुज की बहुत वीडियोस देखी एसईओ एडवाइस के लिए एंड बहुत सारी एडवाइसेस को इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन मुझे वैल्यू से ज्यादा कन्फ्यूजन ही मिली। क्योंकि जिसने कुछ ही मंथ्स में एसईओ सीखी हो या एक आधा कोर्स किया हो, सोचता है कि वो अब एक्शनेबल एसईओ एडवाइस दे सकता है यूट्यूब। ऑनेस्टली कई ऐसे ब्लॉगर्स एडवाइस दे रहे होते हैं जिन्होंने रियल में कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया होता, इसीलिए आपको हजारों वीडियोस एसईओ स्ट्रेटजी पर मिलती हैं YouTube पर, जिनमें सिर्फ जेनेरिक एडवाइस ही मिलती है। तो जब मैं बिगिनर था, मैं भी YouTube पर SEO वीडियोस के भंवर में फंसता चला गया। इवन मुझे ऐसा लगा कि SEO एक्सपर्ट बनने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना है बस। ऐसा करने पर मैं पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था SEO के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, असल SEO सीक्रेट्स आपको सिर्फ इंप्लीमेंटेशन से ही मिलते हैं। एक टाइम पर तो मैं ऑन पेज SEO, टेक्निकल SEO, ऑफ पेज SEO सेम टाइम पर सीख रहा था, और जैसे ही इंप्लीमेंट करने की बारी आती थी तो मैं पागल हो रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं तो ये सोचने लग गया था कि भाई SEO मेरे लिए नहीं है, मुझे तो क्विट कर देना चाहिए। लकीली मेरा एक दोस्त SEO एक्सपर्ट था और उसने मुझे गाइड किया, भाई लर्निंग करनी है तो डोमेन परचेज करो, होस्टिंग परचेज करो और प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दो। सो एज अ फ्रेंड मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि किस तरह से YouTube ने ऑलमोस्ट मेरा करियर खत्म कर दिया था, और शायद आप भी इसी रास्ते पर हो सकते हो। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो सो कॉल्ड SEO गुरुज होते हैं, ये अपने सीक्रेट्स कहां से लेके आते हैं और कैसे आप भी उसी लेवल पर जा सकते हैं। तो YouTube पर जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक चीज है आपके लिए, वो है जिसमें आपको 1 घंटे में पूरी SEO सिखाई जाती है और इवन नंबर 1 रैंकिंग की गारंटी भी दी जा रही है इसमें। तो अब ये 63 मिनट्स की वीडियो है, 35,000 लोगों ने इसको देखा है, तो ये टोटल 22 लाख मिनट्स बनते हैं जो कि तकरीबन 4 साल बनते हैं। और अगर यही 4 साल एफिशिएंटली यूज होते तो आप इमेजिन करें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ना था। और इस तरह की लातदाद वीडियोज हैं जिनसे आपका टाइम स्टील किया जाता है। ये दुनिया डिस्ट्रेक्शन से भरी पड़ी है, और अगर आप खाना खा रहे हो या कहीं लाइन में लगे हो, टिकटॉक देख रहे हो, दैट इज जस्टिफाइड। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से हमें डोपामिन मिलती है और हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदि हो जाते हैं, जो हमें बेसब्रा बनाती है, जिससे हमें ये लगने लगता है कि ये जो वीडियोस हैं जो 1 घंटे 2 घंटे की हैं, पूरे पूरे कोर्सेज हैं, ये हमारी लाइफ चेंज कर देंगे। लेकिन SEO वाहिद ऐसी स्किल है जिसमें बहुत पेशेंस के बाद आप एक्सपर्ट बनते हैं, जिसमें शॉर्टकट पॉसिबल ही नहीं है। शायद आपको ये सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन SEO हार्ड है, और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप SEO में अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि जो लोग आपको कुछ मिनट्स के अंदर स्किल सिखाने का प्रॉमिस करते हैं, या तो उनको आता कुछ नहीं है, या फिर वो आपके क्लिक्स और व्यूज गेन करने के लिए आपको अट्रैक्ट करते हैं। ज्यादातर ऐसी वीडियोस का मकसद आपकी टेंशन ग्रैब करना होता है ताकि आपको कुछ सेल किया जा सके। मैं इस तरह की वीडियोस को गेट रिच क्विक टाइप की वीडियोस कंसीडर करता हूं, जहां लोगों को ब्लॉग्स की थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में अर्निंग दिखा के या शाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखाकर उनको अपनी प्रोडक्ट्स या कोर्सेज सेल किए जाते हैं। प्रोडक्ट्स या कोर्सेज सेल करना कोई गलत बात नहीं है, इवन बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी मार्केट में अवेलेबल, जिससे कम्युनिटी को रियल में फायदा होता है। लेकिन अगर कोई मिसलीड करके या खुद बिगिनर होने के बावजूद आपको सिखाए या सेलिंग करे, ये काम नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि इससे बड़े बड़े ब्लंडर्स क्या मिलते हैं YouTube पर आपको, जिससे लोगों की लाइफ बहुत डैमेज होती है। इस तरह की वीडियोस देखने से आप शायद कॉन्फिडेंट फील करें, लेकिन एक चीज के बारे में 3 डिफरेंट ओपिनियंस जब आपको मिलेंगे तो इम्प्लीमेंट करते वक्त आप स्टक हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा करना क्या। और बाज़ूकात इम्प्लीमेंट कर भी लेंगे तो महीनों बाद जाके रियलाइज होगा कि ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी, और ये हकीकत बात है क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। तब तो ऐसा लगता है शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरी तो समझ से बाहर की चीज है। लेकिन मेरी किस्मत के मेरे दोस्त ने बोला, जो भी पता है उसको इम्प्लीमेंट करो फौरन। और मैं हैरान था कि मैंने अपनी वेबसाइट पर खुद काम किया तो मेरी स्किल इंप्रूव होती गई। इसी तरह एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें फेसबुक ग्रुप्स और SEO फोरम्स पर लोगों की पोस्ट देखना और पैनिक हो जाना। कोई बोलता है स्कीमा बहुत जरूरी है, कोई बोलता है बैकलिंक्स बहुत जरूरी है, कोई कहता है वेबसाइट डाउन हो जाएगी तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, कोई बोल रहा है SEO स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, कोई बोल रहा है टेक्निकल SEO बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गूगल अपडेट्स के बारे में डरा रहा है। इससे सिर्फ आप डीमोटिवेट और पैनिक होते हैं, और बिजनेस को ज्यादा नुकसान होता है इस चीज से, क्योंकि उनके लिए SEO एक मुमकिन चीज बन जाती है, जबकि आपको सिर्फ रिसर्च सीखनी है, अच्छा कंटेंट लिखना है एंड देन ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अगर आप ये काम बखूबी कर लेते हैं, आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सो मिसलीडिंग का या गलत इन्फॉर्मेशन का नुकसान क्या होता है कि आपकी बेस गलत बनती है, और जब आप गलत बेस से काम स्टार्ट करते हैं आपकी डायरेक्शन टोटली डिफरेंट हो जाती है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं और बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और हकीकत में कई लोग इन चीजों की वजह से SEO को छोड़ भी देते हैं। हालांकि मैं ये सब चीजें फेस कर रहा था, बट स्टिल फॉर्चुनेटली मैंने क्विट नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज काम ना करो तो हर महीने डॉलर्स में इनकम आ जाती है। लेकिन जब आप एक ही वक्त में सब कुछ सीखेंगे और इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे, उस वक्त आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अगर आज मैं खुद को एडवाइस दूं तो मुझे सबसे पहले रिसर्च सीखनी चाहिए थी, देन कंटेंट राइट करने पर और यूजर को वैल्यू देने पर फोकस करना चाहिए था, और ऐसा करने से मुझे 1-2 साल में ही ह्यूज सक्सेस मिल सकती थी, जिसमें मुझे 4-5 साल लग गए। एज अ बिगिनर एक ही टाइम पर पूरी की पूरी SEO को मास्टर नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग आपको फंसाते हैं, और मुझे बहुत लंबे अरसे के बाद ये बात पता चली। लेकिन उस वक्त तक बहुत सारा
कीमती वक्त और पैसा जाया हो चुके थे। अब मैं आपको YouTube का सबसे डीमोटिवेटिंग कंटेंट बताता हूँ। ये इस टाइप की वीडियो है कि बिगनर्स को हर हाल में इससे बचना चाहिए। ये वो कंटेंट है जिसमें 5 से 10 शॉर्ट वीडियोस में आपको बोला जाता है कि आप गुरु बन जाओगे। SEO सीखना डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग सीरियस क्लाइंट वर्क कर रहे होते हैं, कुछ लोग पर्सनल ब्लॉग्स पर काम कर रहे होते हैं। शाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखाने वाले यूट्यूबर्स के पास अनफेयर एडवांटेज होता है बजट का, टीम का, रिसोर्सेज का, और इसीलिए उनको हम जैसे लोगों से ज्यादा और बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। सो वो लोग जो अचीवमेंट खुद कर लेते हैं एक बिगिनर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। सीखना तो दूर, बाज़ुकात एक चीज को समझने में ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सो ऐसी वीडियोस से आपको फॉल्स होप मिलती है कि आप कुछ दिन में पैसे कमाने लग जाओगे। इवन कई लोगों को मैंने SEO प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लेते हुए देखा है, वेल पेइंग जॉब्स क्विट करते हुए देखा है। इंस्पायरेशन की हद तक तो ठीक है, लेकिन इस तरह के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए इन वीडियोस की वजह से। और जब कुछ अचीव ना हो तो हालत और खराब हो जाती है। सो अगर आप इसी मंजिल के मुसाफिर हो तो खुद को समझाएं कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको। कोशिश करें कि ऐसी वीडियोस को स्किप ही किया करें और एक्चुअल प्रैक्टिकल पर फोकस किया करें। ये सिंपल सी एडवाइस आपके करियर की सबसे बेस्ट एडवाइस हो सकती है। और अब आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा डेवास्टेटिंग है वो ये 6-7-8 घंटों के पूरे पूरे कोर्सेज होते हैं। पहली बात, इतना सारा न्यू नॉलेज कोई याद ही नहीं रख सकता वीडियो देखने के बाद। और दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट्स के लिए महीनों लग जाते हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करेगी एक वीडियो। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आप SEO को फास्ट लर्न कर सकते हैं। जितना भी नॉलेज आपके पास है उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, और सबसे पहले अपनी बेसिक्स को क्लियर करें। स्टार्ट के लिए मोज SEO गाइड अच्छी ऑप्शन है, HRF की SEO गाइड अच्छी ऑप्शन है, लेकिन लर्निंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज जस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम। प्रैक्टिकल ज्यादा करें, इस तरह से आपको जो वर्किंग स्टफ है वो रिवील होगा और वो कभी भूलेगा भी नहीं। अगर प्रॉब्लम आएगी आप फिगर आउट करोगे, सॉल्व करोगे, तो यही प्रैक्टिस अगर कुछ मंथ्स तक आप करते रहोगे ऑटोमेटिकली आप SEO किंग बन जाओगे। सो बैड एडवाइस को इग्नोर करें YouTube पर, और अगर कुछ और सीखना है आपने तो ये केस स्टडी की वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।